हेलो फ्रेंड्स, खत्री के जायके में आज कुछ मीठा हो जाए। आज आपको मूंग दाल का हलवा बनाना बताती हूँ। हमारे यहाँ मगनी दाल नो शीरो पर कहवाई छे। उसको हमने अच्छी तरह से सेक लिया और साफ भी कर दिया है। अब इसको ग्राइंडर में उसको ग्राइंड करेंगे। हमें 5 कटोरी आटा लेना है। मूंग दाल के हलवे के लिए हमें सूखा मेवा में बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, इलायची और केसर, और ये दालचीनी ऑप्शनल है। आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। ये हमारा 5 कप आटा है और ये हमारे 5 कप इतनी चीनी है और 2.5 से 3 कप हमें घी लेना है और 1.5 लीटर जितना दूध लेना है। हमारे पास ये पित्तल की कढ़ाई है, उसमें हम घी डालेंगे। इसमें 2.5 कप जितना घी डालेंगे। हमने 2.5 कप कितना घी लिया हुआ है, इसको हल्का सा गरम करेंगे। हमारा घी गरम हो गया है, उसमें हम दालचीनी डालेंगे। ये ऑप्शनल है। चीनी हो गई है, अब उसमें हम 5 कटोरी हमारा जो मूंग दाल का आटा बनाया है वो डालेंगे। अब हम इसको धीमी आंच पर सेकेंगे। इसमें हम 2.5 कटोरी घी डाला हुआ है। अब कम लगे तो हम 1/2 कटोरी और भी डाल सकते हैं। इस तरह हम 5 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है। पित्तल की कढ़ाई में ये हलवा बहुत अच्छी तरह से बनता है और उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये कढ़ाई में चिपकता भी नहीं है। और पुराने जमाने में तो ये पित्तल में खाना बहुत अच्छा माना जाता है और वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारा ये आटा पूरी तरह से सेक लिया है हमने। अब उसमें हम दूध डालेंगे। हम धीरे धीरे से दूध डालेंगे। ये 1.5 लीटर जितना दूध है। आप उसमें पानी भी डालना हो तो डाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ दूध ही यूज करेंगे। हिलाते ही जाना है। अब इसमें हम केसर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। अब इसमें हम 5 कप इतनी चीनी डाल देंगे। डालने के बाद उसको 5 से 10 मिनट तक और हमको इसको पकाना है। इस तरह 10 से 15 मिनट और सेकना होगा। ऐसे धीरे धीरे सेकना जब तक घी चुका नहीं होता तब तक। घी पाउडर और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे। थोड़ा ड्राई फ्रूट हमने साइड पर रख दिया है। ड्राई फ्रूट हमने साइड पे रख दिया।
तरह से हमारा ये मूंग दाल का हलवा बन गया है। अब इस ये घी भी इसमें से निकलने आया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। कमेंट करके बताइए, और अगर हमारा यह रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।